आज हम बनाएंगे 150 वाट एम्पलीफायर बोर्ड, जिसमें एक आईसी 7294 और दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। ये हमने PCBWay.com से PCB बनवा कर मंगवाया है। कैसे मंगवाया ये वीडियो के अंत में देखेंगे। पहले बोर्ड बनाएंगे। यह है इसमें लगने वाले कंपोनेंट्स। आप चाहें तो ऑल चिप से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले लगाएंगे 6 पीस जम्पर और 5 रेजिस्टेंस हैं 22K की। और 1 रेजिस्टेंस है 33K। इसके बाद 3 पीस हैं 680 ओम। दो पीस हैं 10K। एक कैपेसिटर है 100 PF जिस पर 101 लिखा रहता है। दो डायोड हैं 4148। 4 कैपेसिटर हैं 0.1 जिस पर 104 लिखा रहता है। एक कैपेसिटर है 47 UF 50 वोल्ट में और दो कैपेसिटर हैं 10 UF 50 वोल्ट में। 3 कैपेसिटर हैं 22 UF 63 वोल्ट में। ये आप 50 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। 2 रेजिस्टेंस हैं 5 वाट में 0.2 ओम, ये 0.25 है, एक ही बात है, चल जाएंगे दोनों। 4 डायोड हैं 6 से 4। एक कैपेसिटर है 0.47 जिस पर 474 लिखा रहता है। एक कनेक्टर बेस 3 पिन का है और उसी के साथ में ये 2 पिन का भी लगेगा। ये बाद में लगा लेंगे, क्योंकि बोर्ड पलट कर हम कटिंग सोल्डिंग करेंगे तो ये गिर जाएंगे। ये बाद में लगा लेंगे। एक 3 पिन स्क्रू वाला कनेक्टर बेस है, इसे लगा लेंगे। ये पाना है, इसको अगर नापें तो ये 8 mm का है। इस पर 18 गेज की वायर 12 टर्न लपेट लेंगे। आप चाहें तो 8 mm की कोई ड्रिल बिट भी यूज कर सकते हैं। 2 रेजिस्टेंस हैं 2 वाट में 10 ओम की। और 2 मेन कैपेसिटर हैं ये 4700 UF 50 वोल्ट में। वैसे 2200 UF भी चल जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। एक आईसी है TDA 7294, इसे लगा लेंगे। एक ट्रांजिस्टर है 1943 और एक ट्रांजिस्टर है 5200। ट्रांजिस्टर की पिन आगे की तरफ बेंड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से, इससे ये हीट सिंक से आसानी से टच हो जाएगा। और ये भी हमने मोड़ दिया दूसरा ट्रांजिस्टर। अब करेंगे कटिंग, इसके बाद सोल्डिंग।
लिक्विड फ्लक्स लगा लेते हैं। अब सोल्डरिंग करेंगे। एक LED भी रह गई थी, इसे भी लगा लेंगे। जो भी हमारे कनेक्टर बेस रह गए थे उन्हें भी लगा लेते हैं। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं। अब इस पर हीट सिंक लगा लेते हैं। ऐसे निशान लगाकर होल्ड कर लेंगे। अब ट्रांजिस्टर और IC पर कंपाउंड लगा लेंगे। इन पर माइका भी लगा लेते हैं क्योंकि ये हीट सिंक से अलग रखने हैं बिल्कुल। इसके ऊपर भी कंपाउंड लगा लेंगे। अब हीट सिंक पर लगा लेते हैं। IC के लिए ऐसा स्पेस लगा लेंगे, ट्रांजिस्टर के लिए कोई जरूरी नहीं है। स्क्रू नट की सहायता से हम कस लेंगे। इसके बाद टेस्ट करेंगे कि IC या ट्रांजिस्टर हीट सिंक से टच तो नहीं है। IC को टेस्ट करने के लिए IC की हीट सिंक जो मेटल पॉइंट है उसे टेस्ट करेंगे और ट्रांजिस्टर को टेस्ट करेंगे सेंटर वाली पिन से, यानी कि इसका कलेक्टर जो है। ओके, अब स्पीकर सॉकेट लगा लेंगे। स्पीकर लगाने के लिए कनेक्ट कर लेते हैं। फोन से प्ले करने के लिए ऑक्स सॉकेट है, कनेक्ट कर लेते हैं। एक 47K का पोटेंशियोमीटर है, इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए ट्रांसफार्मर 18018 से लेकर 24024 5 एम्पीयर तक का लगा सकते हैं।
और हो सके तो हीटिंग इससे बड़ी रखें आप। अब स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। ये फोन से प्ले करने के लिए लीड है, लगा लेते हैं। अब प्ले करेंगे। अब बात करेंगे पीसीबी कैसे मंगवाया। सबसे पहले सर्च करेंगे पीसीबी पे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ डिजाइन डालेंगे, फिर साइज, फिर क्वांटिटी, फिर लेयर, फिर मटेरियल, थिकनेस और मिनिमम स्पेस, होल, फिर कलर। उसके बाद बाकी भी आप देखकर भर देंगे। फिर नीचे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ गर्वर फाइल अपलोड कर देंगे। थोड़ी देर बाद में ओके हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन है पे करने के लिए, ओके कर लेंगे, पे करने के लिए आ जाएगा। फिर एक सप्ताह बाद ये हमें मिल गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।